लोगों के फायदे के लिए है और लोगों का हेल्थ चेकअप के लिए है। ये बहुत अच्छा अभियान है, 17 सितंबर से चलेगा और 100 दिन तक ये चलता रहेगा। इस अभियान का मेन मकसद यही है कि हमारे को जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो घर घर जाके लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग में वो ये देखेंगे कि वो बीमार हैं कि नहीं है। बीमारी में हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर और कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे टीबी, लेप्रोसी वगैरह, इनके क्वेश्चनेयर तैयार किए गए हैं। तो उसमें वो हर घर में 3 तरह के लोगों को बांटेंगे। एक तो वो जो बीमार हो गए हैं, दूसरे वो जो बीमार नहीं है पर उनके अंदर ये कुछ खामियां पाई गई हैं हमारे सिम्टम के हिसाब से जो बीमार हो सकते हैं, और तीसरे अभी वो बीमार नहीं हुए हैं पर अगर वो प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो वो भी आने वाले टाइम में बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे वो 3 तरह के लोगों को बांटेंगे और उसके हिसाब से वो उनको रेफर करेंगे। और हमारे इस वक्त जितने हेल्थ वेलनेस सेंटर फंक्शनल हैं वहाँ पर हर शनिवार को हेल्थ मेला लगा रहेगा, जो कि पीएससी लेवल में डॉक्टर्स बैठेंगे और सब सेंटर लेवल में हमारे सीएचओस बैठेंगे। सीएचओस टेली कंसल्टेशन करके डॉक्टर से बात करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो डॉक्टर पेशेंट को वो फिजिकली भी रेफर करेंगे, अगर नहीं होगी तो उसको वहीं पर दवाई देंगे। इसके अलावा हमारा जो सीएससी लेवल है, जिनको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कहा गया है, वहाँ पर शनिवार को रोटेशन बेस पे मेडिकल कॉलेज से स्पेशलिस्ट आएंगे और स्पेशलिस्ट कैंप्स लगेंगे। जिनको पीएससी लेवल पे भी जिन बीमार ठीक नहीं हो रहे उनको उन मल्टी स्पेशलिटी कैंप्स में रेफर किया जाएगा, तो इससे हमारा रेफर रेट भी कम होगा और जो हमारा बोझ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में पड़ता था वो भी कम पड़ेगा। अगर उसमें से कुछ मरीज जो वहाँ पर भी ठीक नहीं हो पाएंगे उनको डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज और डीएच लेवल्स पे भी उनको रेफर करेंगे। ये इसका एक पार्ट था। दूसरा पार्ट ये है कि घर घर जाके जो आयुष्मान कार्ड्स हैं वो अगर किसी लोगों के छूट गए हैं तो उनका भी सर्वे किया जाएगा और उनको भी आयुष्मान कार्ड दोबारा इशू किए जाएंगे। और इस तीसरा पार्ट इसमें हमारा ब्लड डोनेशन कैंप्स रेगुलर लगेंगे और लोगों से अपील की जाएगी अंग डोनेट करने के लिए कि वो मृत्यु के बाद अपने अंग डोनेट कर सकते हैं, उसका भी उनको इसमें किया जाएगा। फिर इसमें स्वच्छ भारत अभियान वो भी लगेगा और साथ में पंचायत लेवल पे मीटिंग्स भी की जाएंगी जिसमें लोगों को अवेयर करा जाएगा कि आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और सलाह लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।